फिर हार्दिक मचाएंगे हाहाकार। ओह सरप्राइज विद अ बाउंसर एंड अ विकेट। फिर भुवनेश्वर दिखाएंगे दमखम। बोनस गॉन। फिर कोहली दिखाएंगे कमाल। अ ब्रेक शॉट, दिस इज फैबुलस। फिर दुबई में होगा धमाल। स्मैशेस इट, हैज इट गॉन ऑल द वे, यस इट हैज। फिर मैदान में होगा रोमांच और घुटने टेकेगा पाकिस्तान। एंड अ बिट ऑफ अ कमबैक आफ्टर व्हाट हैपेंड। आप देख रहे हैं देश का नंबर वन न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया। पाकिस्तान को पटकनी देने के लिए इंडिया एक बार फिर पूरी तरह से तैयार है। मैदान वही है, भारतीय टीम भी करीब करीब वही होगी। हाँ, भारतीय टीम का जोश पहले से कई गुना ज्यादा है क्योंकि टीम इंडिया मौजूदा एशिया कप में कोई भी मैच नहीं हारी। लेकिन टीम इंडिया को पाकिस्तान से सावधान भी रहना होगा क्योंकि जख्मी पाकिस्तान टीम इंडिया के लिए खतरनाक भी साबित हो सकता है। पाकिस्तान ने भारत से हारने के लिए हांगकांग को 155 रन से हराया। सिर्फ 38 पर हांगकांग को ढेर कर पाकिस्तान ने चेतावनी जरूर दी। लेकिन आज का महामुकाबला न्यू इंडिया से है जो पाकिस्तान को हराना जानता है। इस महामुकाबले की कवरेज के लिए हम इस्लामाबाद से भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले स्टूडियो में हम अपनी सहयोगी अनुपमा झा के पास चलते हैं। बिल्कुल, तो देखिए आज का मुकाबला शानदार होने जा रहा है, लेकिन मेरे साथ ऑडियंस मौजूद है। सबसे पहले जानते हैं इनका जोश कैसा है। हाउस द जोश, हाउस द जोश, भारत माता की। देखिए इसी तरीके का जोश जो है वो दिखाई दे रहा है क्योंकि भारत पाकिस्तान का मुकाबला है। आज है सुपर फोर, इंडिया मांगे जीत मोड। पाकिस्तान को पहले मैच में हराया था, आज फिर हराएंगे क्योंकि भारत सिर्फ जोश के साथ नहीं खेलता बल्कि सटीक रणनीति के साथ मैदान पर उतरता है। तो मैदान पर भारतीय टीम ने पाकिस्तान के हर खिलाड़ी के लिए अलग से मार्किंग की है। तो वहीं स्टूडियो में हमारे साथ खिलाड़ियों के जोश को हाई करने के लिए आपके चहेते गौरव चौहान जी मौजूद है। एक बार ताली से स्वागत हो जाए गौरव चौहान का। और साथ ही हमारे साथ कवि सुदीप भोला मौजूद है, इनका भी तालियों के साथ जोरदार स्वागत हो जाए। हमारे साथ हमारे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अमृत आनंद मौजूद है, बहुत बहुत स्वागत है अमृत आपका भी। और इसके साथ ही हमारे साथ क्रिकेट एक्सपर्ट का एक बड़ा पैनल है जो पाकिस्तान के छक्के छुड़ाएगा, जिनके बारे में पूरी डिटेल आपको सबीना देंगे। ओवर टू यू सबीना। तो न्यूज 18 इंडिया पर इस मुकाबले की सुपर कवरेज की तैयारी पूरी हो चुकी है। पाकिस्तान के इस्लामाबाद से लेकर दिल्ली तक, डग आउट से लेकर मैदान तक हमारी नजर जो है वो पूरी तरह से बरकरार रहेगी। इस मैच पर बात करने के लिए स्टूडियो में इस वक्त हमारे साथ एक खास पैनल मौजूद है। टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर संदीप पाटिल जी मौजूद है, जोरदार तालियों से आप स्वागत करें सरकार। किरण मोरे जी हमारे साथ मौजूद है, साथ ही नयन मोंगिया जी हमारे साथ मौजूद है, जोरदार तालियों से आप हमारे खास पैनल का स्वागत करें। तो वहीं इस पूरे समय पाकिस्तान से भी हम जुड़े रहेंगे। पाकिस्तान में हमारे साथ हम न्यूज से जोएब अहमद है, साथ ही अनुम हमारे साथ में है। एक बार फिर से अनुम और जोएब, आमने सामने हम हैं और साथ ही मैदान में भारत पाकिस्तान है। जोएब शुरुआत क्योंकि हम कर चुके हैं और एक बार चाहेंगे कि आप अपने स्टूडियो से हमें रूबरू करवाएं। जब आपके हाव भाव तो हम देख पा रहे हैं, लेकिन फिलहाल आपका जो ऑडियो है वो हिंदुस्तान तक नहीं पहुंच पा रहा है, वो कोशिश यहां पर हो जाएगी। लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि आज का ये मुकाबला सिर्फ मुकाबला नहीं है, महामुकाबला है, एक हाई वोल्टेज मैच है जिस पर सभी की नजरें टिकी हुई है। शुरुआत संदीप जी आपसे ही करेंगे, आज का मुकाबला कितना दिलचस्प, कितना रोमांचक, क्या पिछले मुकाबले से भी ज्यादा नजर आता है? आपने अभी अभी कहा सबीना कि जो जोश हमने देखा, लेकिन जोश के साथ होश खोना नहीं चाहिए। और ये भी आपने कहा कि पाकिस्तान जख्मी शेर है और पाकिस्तान ऐसी एक टीम है जो मैं पिछली बार भी कह चुका हूँ कि इनको बिलीव नहीं कर सकते। और जिस तरह से उन्होंने हांगकांग के साथ जीत हासिल की है, हमें डर के नहीं लेकिन बच के रहना पड़ेगा। कितना सहमत सर आप नजर आते हैं क्योंकि पाकिस्तान से मुकाबला है और जब भी ये मुकाबला होता है तो वो सिर्फ मैच नहीं रह जाता है, सबका वजूद, वतन, सब कुछ इस पर दाव पर लग जाता है। देखो दो टीम कंपेयर कर दो तो एक्सपीरियंस टीम जो है इंडियन टीम है, तो उनका बैलेंस बढ़िया है, पर पाकिस्तान टीम एक हमेशा खतरनाक, आपने बोला जख्मी है, तो जख्मी जब होता है शेर तो डेंजरस होता है। पर बिल्कुल
कड़ा मुकाबला होगा। मैं चाहता हूँ कि क्लोज मैच हो, एक रन दो रन से मैच जीते इंडिया, और इंडिया ही जीते क्योंकि इंडिया को जीतना है वर्ल्ड कप इस साल। भारतीय टीम ने, पाकिस्तानी टीम ने हांगकांग को मात दी और बहुत अच्छे रनों से दी। पाकिस्तान का मुकाबला भी बेहतरीन रहा, इसमें कोई शक नहीं है। विरोधी टीम को कमजोर समझना मेरे ख्याल से ये भूल होगी, और जो भारतीय टीम इस बार तो बिल्कुल भी ये नहीं करेगी क्योंकि वो कभी नहीं करती आई है। क्या आपको लगता है किस स्ट्रेटेजी के साथ आज भारतीय टीम उतरती हुई नजर आएगी? सविता, मैं कुछ बोलूं या शुरू करें हम, उसके पहले किरण मोरे जी को आज उनके जन्मदिन की ये तो यहाँ पर बनता है। जन्मदिन की बहुत सारी ढेरों शुभकामनाएं पूरे न्यूज़ 18 इंडिया टीम की तरफ से। किरण मोरे का बर्थडे, किरण मोरे का बर्थडे है, जन्मदिन है। तो अब किरण सीनियर सिटीजन हो गए तो उनको हाँ, पर जैसे आपने कहा कि, और बाकी दोनों एक्सपर्ट ने कहा कि जख्मी शेर है पाकिस्तान, और जिस तरह की मैच की उम्मीद की जाती है दोनों टीमों के बीच में, जो दोनों बराबरी की टीम होती है, जो हमने पिछले मैच में भी देखा जब भारत पाकिस्तान भिड़ी थी, करीबी मामला था। हमको मालूम था कि 150 का आंकड़ा है, पर 150 का आंकड़ा पार करने को भी भारत के लिए, बल्लेबाजों के लिए मुश्किल होगी, विकेट इतनी आसान नहीं थी। फिर भी हम 18 ओवर में मैच जीती, जिस तरह हार्दिक पांड्या ने, जडेजा ने बल्लेबाजी की, जिस तरह की गेंदबाजी हुई हमारी, तो एक कंबाइन एफर्ट था टीम का, तभी हम पाकिस्तान से जीत पाए, उभर कर आ गए। तो आज भी हम यही चाहते हैं कि एक अच्छा मुकाबला हो, आखिरी गेंद तक जाए, उसी को हम इंडिया पाकिस्तान का मैच कहते हैं, क्योंकि हमें एक वन साइडेड नहीं चाहिए। जैसे हमको मालूम है कि वो जख्मी शेर कभी भी उभर कर आ सकती है, हमें एक इंच भी नहीं देना है पाकिस्तान। अनुपमा, आप दोनों मशहूर जाने माने और अपने तर्कश के वो बाण यहाँ पर लगाने वाले कवियों से बातचीत करें, बहुत जल्द अमृत में यहाँ पर आपसे समझना चाहूंगी, क्योंकि आपने पूरे खेल को कई सालों से बहुत ग्राउंड जीरो पर जाकर कवर किया है। दो तरह के जख्म होते हैं, एक जो आपको कमजोर बनाता है और एक जो आपको बहुत मजबूत बनाता है। पाकिस्तान को अगर हम जख्मी शेर कह रहे हैं तो किस स्ट्रेटेजी के तहत आज भारतीय टीम को उतरना ही होगा? देखिए, फिर अगर पाकिस्तान शेर है तो हम बब्बर शेर है, इसमें कहीं से बता दूं मैं जमीना आपको कि आज अगर टीम इंडिया जीतती है, अगर क्या अगर मैं क्यों लगा रहा हूं, आज टीम इंडिया जीतती है तो एशिया कप में हम लगातार पांचवी बार हम हराएंगे। 2016 में हमने एक मरतबा हराया था, 2018 में हमने एशिया कप में दो बार खेला उनसे मुकाबला, दोनों बार हराया। 28 तारीख को इस एशिया कप की बात कर रहा हूं, हम चौथी मरतबा जीते हैं, तो मुझे लगता है कि इस बार पांच का पंच जो है जीत का वो जरूर लगेगा। बिल्कुल अमृत लगातार हमारे साथ बने हुए, हमारे साथ गौरव चौहान, सुदीप बोला भी लगातार बने हुए, लेकिन मैं चाहूंगी तर्कश में आपके कौन सा तीर है, सबसे पहला तीर पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान जुड़ेगा हमारे साथ आपसे कुछ ही देर में, सबसे पहले आप। मैं चाहूंगी आज पिच पर आके आप जो है अपनी कविता पूरी, मैदान में आकर के ही तीर चलाना पड़ता है। आपको जन्मदिन की बधाई, और मुझे लगता है कि हमारा पैनल भी आज भारतीय टीम की तरह ही मजबूत है, तो मैं सबसे मजबूत खिलाड़ी की तरफ से शुरू करता हूँ। हमारे पांड्या ने जलवा दिखाया, सुनिएगा, और पाकिस्तानियों की हालत और पाकिस्तान के सपोर्टरों की क्या हालत थी, तीन अंतरे सुनाऊंगा इसके। के ओ मेरे पांड्या डियर, ओ मेरे पांड्या डियर, तुमने बदला गियर, ऐसा छक्का लगाया मजा आ गया। ओ मेरे पांड्या डियर, तुमने बदला गियर, ऐसा छक्का लगाया मजा आ गया। ऐसी हलचल हुई बॉल पर पल हुई, क्या बात क्या बात, ऐसी हलचल हुई बॉल पर पल हुई, जिस तरह से जिताया मजा आ गया मेरे पांड्या डियर। अब देखिए, जिनकी उम्मीदें टूटी इस मैच से, उनके क्या हाल थे, कि एक झटके में उम्मीद जब तोड़ दी, एक झटके में उम्मीद जब तोड़ दी, खूबसूरत निगाहें छलकने लगी। छोटी सी रिक्वेस्ट है, हम चाहेंगे आप बैठे, क्योंकि हम चाहते हैं कि सिर्फ हम ही नहीं, पूरा हिंदुस्तान आपको देखे और पाकिस्तान देखे, और फिर एंगल ऐसा आएगा कि पूरी दुनिया तक ये तस्वीर जाएगी। बहुत शुक्रिया सर। तो मैं एक झटके में उम्मीद जब तोड़ दी, खूबसूरत निगाहें छलकने लगी, क्या बात, जिस हसीना पे दिल आ गया था मेरा, जिस हसीना पे दिल आ गया था मेरा, उसको ढांढस बंधाया मजा। ओ मेरे पांड्या। अच्छा, ब्लॉगर भी घूम रहे थे अमृत जी आपके साथ वहां पे, उनके लिए कि जितने ब्लॉगर मिले सारे गमगीन थे, जितने ब्लॉगर मिले सारे गमगीन थे, हार जाने का सदमा लगा इस कदर,
मारो मारो मुझे एक बोल के मारो मारो मुझे, कल जो कहता था वो जब स्ट्रेचर पे आया मजा आ गया। ओ मेरे पंड्या डियर, ऐसा बदला गियर, ऐसा छक्का लगाया मजा आ गया। और एक अलग ही दृश्य देखने को मिला, अफगानिस्तान से आया था हाँ। के फैन अफगान के चूमने जब लगे हाँ। शॉर्ट सर्किट से टीवी भस्म हो गई फैन अफगान के चूमने जब लगे, शॉर्ट सर्किट से टीवी भस्म हो गई। पाक वालों ने ना फोड़ कर आज के वास्ते जब बचाया मजा क्या बात है। मेरे पंड्या डियर, तुमने बदला गियर, ऐसा छक्का लगाया मजा आ गया। ऐसी हलचल हुई, बॉल पर्पल हुई, जिस तरह से जिताया मजा आ गया। क्या बात है, क्या यकीनन बात है। बहुत मजा आ गया और ऐसा मजा आया है कि पूरे हिंदुस्तान को तो आ गया होगा। भले ही आपके जो ये शब्दों के बाण है पाकिस्तान को जरूर चुभ गए होंगे, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान भी अब हमारे साथ जुड़ चुका है। हम न्यूज एक बार फिर से जुड़ गया है, कुछ ऑडियो की दिक्कत आ गई थी इसलिए हम आपको सुन नहीं पा रहे थे। एक बार फिर से अनुम और जोएब आपकी तरफ आएंगे, हम चाहेंगे कि आप भी तारुफ करा दें कि आपका पैनल कैसा है और हमारे यहाँ का जो सुपर हाई जोश है क्या ठीक वैसा ही पाकिस्तान के इस पैनल में भी देखने को मिल रहा है। जी हाँ, यहाँ पर भी जोशो खरोश तो है, चूंकि रिवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत का जब भी मुकाबला होता है पाकिस्तान में जोशो खरोश जरूर देखा जाता है। लेकिन साथ ही साथ जिस तरह हमने पिछले हफ्ते आपको बताया कि पाकिस्तान इस वक्त सैलाब से दो चार है, सैलाब की तबाहकारियां जारी हैं, तो वो जोश थोड़ा सा कम जरूर है, लेकिन पाकिस्तान और भारत के मैच में ये जोश हमें बिलाखिर दिखाई जरूर देता है। हमारे साथ आमिर सोहेल साहब मौजूद हैं और साथ ही साथ हसन रजा भी मौजूद हैं। आमिर भाई, आपकी जानिब आऊंगी, पाकिस्तान भारत का मुकाबला है, कितना बड़ा टाकरा होने जा रहा है और जिस तरह आपने कल भी बात की थी कि भारत के जडेजा नहीं है उसका पाकिस्तान को भरपूर फायदा उठाना चाहिए। देखिए, ये बड़ा एडवांटेज है पाकिस्तान को। सबसे पहले तो मैं सारे पैनल्स को जो इंडिया में मौजूद हैं, ग्रीटिंग्स फ्रॉम लाहौर और फ्रॉम पाकिस्तान, लाहौर से मैं हूँ तो लाहौर ही आता है, हालांकि हम लोग इस्लामाबाद में है। लेकिन देखिए, जडेजा का ना होना टीम की कॉम्पोजिशन पे बहुत फ़र्क डालता है। बैटिंग में वो बहुत ज़्यादा अच्छा करते हैं, फ्लोटिंग बैटिंग ऑर्डर कई दफ़ा हमने देखा उनका हुआ है। बॉलिंग में बड़ा अच्छा करते हैं, फील्डिंग में बहुत ज़्यादा रन जो है वो बचाते हैं और टीम को लिफ्ट किए रहते हैं। उनके ना होने से बैटिंग में भी थोड़ी सी थिननेस आएगी और बैट्समैनों के ऊपर ज़्यादा प्रेशर आएगा और बॉलिंग में भी जो है एक एक थोड़ा सा वो फील तो करेंगे, क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट मैच में जिसने मैच ना खेला हो। लेकिन एक चीज़ है, अश्विन उनके पास है, बड़ा एक्सपीरियंस है उनका, पाकिस्तान के पास तीन लेफ्ट हैंड बैट्समैन हैं, तो उनकी इंक्लूजन भी जो है इंडिया के लिए हो सकती है। लेकिन मैं ये कहूँगा एडवांटेज है, पिछले मैच में जो डिफरेंस क्रिएट किया मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा, एक तो कोहली के रन्स थे और उसके बाद जडेजा ने जिस तरह आके प्रेशर को हैंडल किया और इनिंग्स को आगे लेके गए और हमारे लेग स्पिनर्स को बहुत ही अच्छा खेले, जिसकी वजह से इंडिया मैच जो है वो बड़े आसानी से जीत गया। सो ये वाला एडवांटेज पाकिस्तान को कैश इन करना चाहिए मेरे ख्याल में। पाकिस्तान को एडवांटेज कैश इन करना चाहिए और साथ ही साथ हमारे पास एक इंजरी तो हुई, लेकिन लकीली बेंच स्ट्रेंथ पर वो फायर पावर, वो पेस मौजूद है जो बड़े मैच में इंडिया को झटका देने की अहलियत रखती है। देखिए, और यहाँ पे पाकिस्तान में कंफ्लिक्टिंग रिपोर्ट्स आ रही हैं, कुछ लोगों का ओपिनियन है कि हसन अली के साथ जाया जाए। देखिए, एक्सपीरियंस तो है right. लेकिन एक्सपीरियंस को आपने क्या करना है अगर फॉर्म नहीं है अगर वो उनका कॉन्फिडेंस लेवल नहीं है। अगर मेरी अगर चॉइस है तो मैं हसनैन के साथ जाऊँगा। अगर उनका और नसीम शाह का कॉम्बिनेशन नए बॉल के साथ बढ़ता है, जो मैं बात कर रहा हूँ कि पिछले मैच में अगर डिफरेंस देखें इंडिया और पाकिस्तान के मैच की, तो जो यादव पांड्या की बॉलिंग थी और जिस तरह उन्होंने सरप्राइज किया शॉर्ट बॉल करके और बड़े वेल डायरेक्टेड शॉर्ट बॉल से, और हम यही बात कर रहे थे फियर फैक्टर पाकिस्तान की क्रिकेट से वो मिस है, सो वो लेके आना हमने और मेरा ख्याल है पेस इज द बेस्ट आंसर फॉर दैट। ठीक है, यही सवाल लेके मैं सबीना आपके पैनल की तरफ आऊंगी। नायन मोंगिया जी से मैं सवाल करूंगी, जडेजा नहीं है आपकी टीम में, एक बड़ा नाम जो टीम से बाहर हो गया है और बड़ा मैच है, प्रेशर मैच है, कितना फर्क पड़ेगा टीम इंडिया के कॉन्फिडेंस पर जडेजा के ना होने पर? देखिए, अगर ओवरऑल देखा जाए तो बहुत फर्क पड़ेगा, जिस तरह इंजरी के बाद वो लय में आए, फॉर्म में आए, आप टेस्ट मैचेस ले लो,
आप वनडे ले लो या टी20 ले लो, और तीनों डिपार्टमेंट में उनका एक बेहतरीन रोल रहा है, बॉलिंग, फील्डिंग और बल्लेबाजी। मैं बिल्कुल सहमत रखता हूँ आमिर सोहेल जी से कि बहुत फ़र्क पड़ेगा। अगर इस तरह का प्लेयर किसी भी टीम में नहीं होता तो टीम को चुभता ज़रूर है, पर हमारे पास ऐसे प्लेयर है, हमारे पास रिप्लेसमेंट है। पर एक एडवांटेज पाकिस्तान को रहेगा कि वो जो लेफ्ट हैंडेड जो बीच में आते थे वो फ्लोटिंग की तरह, वो कहीं ना कहीं कमी खलेगी भारतीय टीम को अगर शुरू के जल्दी विकेट गिर जाती है भारतीय टीम। अक्षर पटेल का